अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों बहनों भाइयों को मियां जी अमलियात में खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर वफियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज ईमान में रखे, आमीन। मोअज़्ज़ज़ कारीन, आज आपकी खिदमत में नज़रों से गायब होने का बिल्कुल छोटा सा आसान और आजमूदा अमल लेकर पेश खिदमत हुआ हूँ। अमल के तरीक़ाकार की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से मोहब्बत भरी इल्तमाश है कि जिन हज़रात ने अभी तक मियां जी अमलियात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएँ, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो भी आप तक बआसानी पहुँच सके और आप हमारे अमलियात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक परिंदा नज़र आ रहा है जिसको हमारी ज़बान में टिटरी कहते हैं, जो कि ज़्यादातर पानी और वीरानों में पाई जाती है और ये घोंसला नहीं बनाती। ये ज़मीन पर ही किसी पहाड़ या पत्थर वाली जगह पर अपना घर बनाती और रहती है। दोस्तों, इस अमल के लिए किसी किस्म की पढ़ाई या चिल्ला और नक्श वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है जो आपको करनी है। सबसे पहले आपने स्टेटरी का घोंसला ढूँढना है। ढूंढकर आपने तकरीबन रोज़ाना इसके आसपास चक्कर लगाना है। जब इसने अंडे दिए हुए हों तो देखें कि इसके अंडे पड़े हुए हैं तो देखकर आगे गुजर जाएं और देखें कि टिटरी कब आकर इसमें बैठती है। जब टिटरी बैठकर चली जाए तो पहले अंडे देखें। अगर आपको वहां अंडे नज़र ना आएं तो समझ जाएं कि उसने गायब कर दिए हैं। तो आप उसके घोंसले के पास जाएं और वहां अंडों वाली जगह पर जितने भी कंकर और पत्थर मौजूद होंगे उनको किसी छापर में डालकर घर ले जाएँ। घर जाकर किसी बारीक कपड़े में रख कर अच्छी तरह वाश करें। इसमें से कोई भी बारीक पत्थर और कैंकर ज़ाया नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद आप एक आईने के सामने खड़े हो जाएं और इन सब कैंकर को एक एक करके अपने मुंह में रख कर आईने में ख़ुद को देखें। जिस कैंकर को मुंह में रख कर आपको अपना अक्स आईने में नज़र ना आए तो समझ जाएं कि ये वही पत्थर है जिसकी हमें तलाश थी। बस वो एक पत्थर संभाल लें, बाकी फेंक दें। जब आपको गायब होना हो तो वो कंकर या पत्थर अपने मुँह में रख लें और गायब हो जाएं। लेकिन इस अमल में सिर्फ जिस्म गायब होगा लेकिन कपड़े नज़र आते रहेंगे। बेहतर होगा कि कैंकर मुंह में डालकर कपड़े उतार कर साइड पर रख दें और जब पत्थर मुंह से निकालना हो तो पहले कपड़े पहन लें और फिर पत्थर मुंह से निकाल तो आप नज़र आने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गायब होकर किसी का कोई नुकसान ना करें, वरना अल्लाह पाक की पकड़ बहुत ही सख्त है। हो सके तो किसी का भला ज़रूर करना। दोस्तों, ये था हमारा आज का अमल। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में आपसे एक और गुजारिश है कि हमारे उस्ताद मोहतरम मियाँ साहब बहुत ही बीमार हैं, उनकी सेहत तो तंदरुस्ती के दुआ की अपील है। क्या पता अल्लाह करीम किसकी दुआ कबूल मंजूर फरमाएँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो वजीफे के साथ। तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगेबान।